देवास में आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। कार्यकर्ता को 10,000 और पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए वेतन देने की मांग की। आशा कार्यकर्ता सालों से अस्थायी कर्मचारी, नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए संघर्ष कर रही है। शुक्रवार को जिले में कार्यरत करीब 50 से अधिक आशा उषा कार्यकर्ता पहुंची और कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन की जिलाध्यक्ष कुसुम गोस्वामी ने बताया कि शासन उनसे स्वास्थ्य, महिला बाल विकास एवं पंचायत विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के कामों में सहयोग लेती है, लेकिन हमारी मांगों को लेकर कभी कोई ध्यान नहीं देती है। मात्र 2,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, उसे देने में भी महीनों लग जाते हैं। अतः सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 और आशा सहयोगिनी को 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाना चाहिए। देवास से बाबू भाटिया की रिपोर्ट। हम लोगों की शहरी क्षेत्र की और ग्रामीण क्षेत्र की आशा उषा कार्यकर्ता हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जिलाधीश महोदय से हमारा निवेदन है कि हम आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और उषा कार्यकर्ता को कम से कम 15,000 रुपए का मानदेय सैलरी रूप में दिया जाए और आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपए प्रति का मानदेय फिक्स किया जाए और आशा को भ्रमण के लिए 300 रुपए प्रति ईंधन भत्ते के रूप में दिए जाए। आशा उषा कार्यकर्ता को केंडर की भांति 500 रुपए का इंसेंटिव दिया जाए कि हमें 2,000 रुपए में 24 घंटे हमारी काम करना पड़ता है और 24 घंटे तो छोड़ो, सातों दिन हमारे लिए काम पर उपस्थित रहते हैं। हम, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, उसके बावजूद भी हम 2,000 रुपए में काम कर रहे हैं। शासन का कोई भी कार्य आता है तो हम आशा द्वारा पूरा कर दिया जाता है। आयुष्मान, अभी आयुष्मान कार्य चल रहा है, हमें मानदेय कुछ भी नहीं दे रहा। 2,000 में आप परिवार चला लेते हो? हमने परिवार कहाँ से चलेगा, ये तो आप भी मानते 2,000 में, लेकिन हम कोविड में भी पूरा कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे ऊपर सरकार ध्यान दे। हम आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी को प्रति 300 दिन काम करना पड़ता है। हम लोगों के पास रविवार का भी अवकाश कर नहीं दिया जा रहा है हमें, और ना हमें समय से मानदेय दिया जाता है, ना हमें सैलरी दी जाती है, ना हमारी आशा कार्यकर्ता को इंसेंटिव मिल रहा है समय से। तो क्या मांग है आप बेसिकली सरकार से, क्या मांग करेंगे? कम से कम हमें शासकीय किया जाए, शासकीय कम से कम हमें मानदेय के रूप में 15,000 रुपए फिक्स किया जाए। ठीक है, बहुत हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सारी समस्त आशा उषा पर्यवेक्षक सभी हड़ताल पर चल रहे।